यदि आपके घुटनों से कटकट की आवाज़ आती है तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। इसमें मैं आपको बहुत सारी ऐसे तरीके बताऊंगी जो बहुत ही आसान उपाय हैं और इनका उपयोग करके आप अपने घुटनों के दर्द से बिल्कुल राहत पा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी ये जो समस्या है इसके बारे में मैं आपको कुछ मेन बातें बता देती हूँ। मोस्टली ये समस्या शुरू हो जाती है 40 साल के जब आप हो जाते हैं तो ये समस्या शुरू हो जाती है। खासकर विशेषतया महिलाओं में ये समस्या बहुत जल्दी घर कर जाती है, क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण से कैल्शियम की कमी से हमारे घुटनों का ग्रीस जो है वो बिल्कुल कम होने लग जाता है। ये समस्या बुढ़ापे में बहुत सारे लोगों को पाई जाती है। इंडिया में काफ़ी अधिक लोगों को ये समस्या पाई जाती है। इसके दौरान आप उठते बैठते या आपको कोई भी काम करता दैनिक जीवन की गतिविधियां जो हैं आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं इस समस्या की वजह से, और ये समस्या जो है आपके लिए बहुत अधिक परेशानी का कारण बन जाती है। इसके लिए हम उपाय देखेंगे, आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको इसमें बहुत सारे तरीके बताऊँगी। सबसे पहला इसमें हम ये देखेंगे कि खान पान पर हमें किस प्रकार से नियंत्रण करना है और क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही मैं हेल्थ टिप्स भी आपको बताऊंगी जिसमें आपको आप खुद अपने घर पर ये टिप्स करके अपनी समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकेंगे। फिर और आपको डॉक्टर के खर्च से अधिकाधिक ये समस्या जो है इसका समाधान बिना डॉक्टर की सहायता के घर पर भी आप सहायक उपचार से कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको इसमें एक काम करना है, मेथी दाना लेना है, 2 चम्मच मेथी दाना ले लीजिए। रात को इसे पानी में भिगो दीजिए, सिंपल नॉर्मल कोई भी पानी हो, सिंपल फिल्टर वाटर हो, उसमें आप इसको रात को कांच के गिलास में भिगो करके रख दीजिए। सुबह उठ करके पानी समेत ये मेथी दाना चबा करके खा लेना है और वो पानी भी ऊपर से पी लेना है मेथी का। यदि हो सके तो 2 गिलास गुनगुना पानी और साथ में आप पीते रहिए, और ये उपाय आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जितनी भी जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। साथ ही आप खाने पीने में पुनर्वा के पत्तों का शाक यूज़ करें। अनार, पका मीठा आम भी इस बीमारी में बहुत अच्छा फायदा करेगा। मूंग की दाल, हींग, अदरक, सौंठ, मेथी, अजवाइन, इनका सेवन करते रहें। सहजना के फूल की सब्जी और फली की सब्जी, हल्दी और एलोवेरा की सब्जी या एलोवेरा का किसी भी प्रकार में उपयोग खाने में आप करेंगे तो इस समस्या का समाधान बहुत तीव्र गति से हो जाएगा। आप देखेंगे ये तरीके बहुत आपके काम आ रहे हैं। साथ ही आप हमेशा गुनगुने जल का पीने में और स्नान में भी उपयोग करेंगे तो इस समस्या से आप निश्चित रूप से निजात पा लेंगे। उष्ण वातावरण में निवास करें, एसी की हवा इस रोग में खतरनाक सिचुएशन पैदा कर सकती है जिससे सारे शरीर में अकड़न की समस्या आपके आने की संभावना हो जाती है। तो जहां तक हो सके एसी और कूलर से बचकर रहें। साथ ही आप गर्म जल में नमक डाल करके पीड़ा युक्त स्थान पर, आपको जो नहीं खाना है उसमें ये है कि चना नहीं खाना है, मटर, सोयाबीन, आलू, बैंगन, उड़द, राजमा, मसूर, कटहल, फूलगोभी भी नुकसान करेगी, खीरा जहाँ तक हो सके इससे बचकर रहिए, टमाटर भी इस बीमारी में नुकसान करता है, अमचूर, साथ ही अमचूर जो है या इमली की खटाई बिल्कुल भी आप ना खाएं तो बेस्ट है, नींबू, संतरा, खट्टे अंगूर, दही और छाछ, खट्टे पदार्थ, भैंस का दूध सेवन ना करें, भैंस के दूध के स्थान पर आप गाय का दूध जो है उसका सेवन करें या गाय का घी ही सेवन करें, पेठा, ठंडा जल पीना, फ्रिज का जल पीना बहुत हानिकारक है, ठंडे जल से स्नान करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, साथ ही सीलन भरे स्थान पर जहां तक हो सके तो ना रहें और ठंडे स्थान पर निवास ना करें, अपने रूम टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रखें, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ठंडा ज़्यादातर इस रोग में नुकसान करता है। तो साथ ही इस तरह की चीज़ें आप यदि यूज़ करेंगे, इसके साथ ही एक विधि और है जो मैंने आपको अपने अलग वीडियो में भी एक पूरा वीडियो बना के दिया था, उसमें भी ये मैंने बताया है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि पारिजात जो है या हर श्रृंगार के हम 12 पत्ते लेकर के 12-13 या 14-15 पत्ते ले सकते हैं, जितना आपको सूटेबल लगता है उसमें आप सेट कर लीजिए। उसको फिर हमें पानी में चटनी बना करके उबाल करके वो काढ़ा पीना था, उससे 100% हमारे जोड़ों का जो है
चिकनाई वापस आ जाती है यदि आप विधिवत रूप से 3 महीने तक उसका सेवन करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इस तरह की जो आप मेडिसिन कर रहे हैं इसमें खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। खाने को चेंज करके ही आप अपनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बीमारी शुरू होती है मेरे ख्याल से खाने का जो नियंत्रण है हमारा वो ख़त्म हो जाने के कारण से होती है। तो यदि आप अपना खाना चेंज कर लेते हैं तो आप हर बीमारी से बच सकते हैं। इस तरह के और टिप्स देखने के लिए देखते रहिए।